यार आज की जानकारी दो हजार तेरह चौदह में जब यूपीए की सरकार थी तो कृषि का बजट ये मात्र 22,000 करोड़ था। अब ये बजट 1,40,000 करोड़ हुआ है, मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई है, 6 गुना बढ़ोतरी कृषि के बजट में हुई है। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, मैंने कल भी ट्वीट किया था और हमारा वीडियो भी ट्वीट किया था, जिस समय पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे उस समय स्टेट टैक्सेस हमने कम किए थे, क्योंकि स्टेट टैक्सेस जो होते हैं वो कैस्केडिंग इफेक्ट लाते हैं, वो टैक्स के ऊपर टैक्स चढ़ता है, वो कम करने से राज्य का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम होते हैं। हमने 5 रुपये से ऐसे भाव कम किए थे जो मैंने कल भी याद दिलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार भी इसको कर सकती है। आप देखिए बाजू में गुजरात राज्य है, वहाँ 83 रुपये का भाव है और हमारे यहाँ भाव देखिए पेट्रोल का। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो इस राज्य सरकार ने इस पर नौटंकी करने की जगह राज्य सरकार ने अपने टैक्सेस कम कर दिए। सर मीरा भाईंदर में भाजपा में दो पूरे महाराष्ट्र में भाईंदर में दो गुटों में भाजपा बढ़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे यार दो गुटों में हम नहीं बटी, आज गुट है और उस गुट का नाम है बीजेपी। आज म्हणतात की 12 नगर से आमदारांच्या बाबतीत राज्यपाल म्हणाले आमचा अंत पाहू नये आता राज्य। अरे हिंदी होने दो ना पहले यार। राज्यपाल हे नियमाने काम करतील, जे नियमात असतील ते करतील। आज के पूरे आयोजन में नरेंद्र मेहता जी कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उन्होंने मीरा भाईंदर भाजपा को सींचा है, तो क्या वजह रही कि आज वो नगण्य रहे हैं आपसे? वो नहीं आए, वो मुझे उसमें सींचा, उनको कुछ नहीं तो अच्छा रहेगा। वैसे में म्यूनसिपैलिटी का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी वो नहीं गए। वैसे मैं सुबह से वहीं पे तो नहीं गया, मैं यहीं पे था। साइलेंस कर पीछे। अच्छा सर, मेरा कहना ये है कि रात भर की मीटिंग चली थी, ये ऑफिस का उद्घाटन ना हो, फिर भी इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ, ऐसा क्या कारण कि मीरा भाईंदर में भाजपा दो गुटों में बढ़ गई है? तो कोई दो गुटों में नहीं, अपने यहाँ देखा रहेगा, आज सभी नगर सेवक थे, सभी पदाधिकारी आए थे, सभी मंडल अध्यक्ष थे, तो आपको कैसे लगता है कि दो गुटों में बढ़ गई है? अच्छा, अब ये माना जाए कि मीरा भाईंदर में भाजपा 7-11 कंपनी से मुक्त हो गई है, ऐसा आप कहते हैं? हम कभी बोले ही नहीं कि ये 7-11 कंपनी है करके, हम तो पहले से बोलते आए ये भारतीय जनता पार्टी है। भाईंदर पश्चिम में सर मंडल कार्यालय में धक्का मुक्की हुई है और काफ़ी बाचाबाची भी हुई है, क्या वजह रही? कुछ धक्का मुक्की कुछ नहीं हुई है। देखो मैं पहले से कहता आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ा परिवार है, कुछ मनमुटाव रहेंगे तो वो जो वरिष्ठ आते हैं उनके सामने रखे करते हैं, ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई भी जो आता है हमारे मन में जो रहेगा वो रखने के लिए व्यासपीठ है भारतीय जनता पार्टी में, तो वैसे रख रहे थे, तो कुछ आपस में उनका कुछ हो गया वैसे, लेकिन कुछ मारापीटी ये सब ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सर, मेरा कहना ये है कि मीरा भाईंदर में जब पहले से एक कार्यालय था तो दूसरे कार्यालय की जरूरत क्यों पड़ी, जब ऐसी कोई है ही नहीं मनमुटाव तो जरूरत क्यों पड़ी दूसरे कार्यालय की? तो आपने देवेंद्र जी को सुना कि केंद्र से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेके जिला तक ये पहले से अभी जो प्रोसेस चल रही थी उसमें एक स्वतंत्र कार्यालय चाहिए, ये अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तभी से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये 2003, जैसे मैंने पहले मेरे स्पीच में बताया, 2003 से हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र कार्यालय रहे,